अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आज आ गई हूँ और एक न्यू रेसिपी के साथ। और आज हम लोग बनाएंगे कैप्सिकम चिकन करी। कैप्सिकम चिकन करी के लिए मुझे लगेगा चिकन, और मैंने 1 किलो चिकन लिया है और उस चिकन को अच्छे से धो के दही से मैरिनेट कर लिया है। और दही से मैरिनेट करने के बाद हम उस चिकन को 15 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए, मैंने मैरिनेट कर लिया है चिकन को। फिर मैंने 4 प्याज लिया था जिसको मैंने अच्छे से धो के काट लिया है पतला पतला करके। फिर मैंने 1 कैप्सिकम लिया था, उसको भी मैंने धो के अच्छे से काट लिया है। और मैंने लिया था 2 टोमेटो, उसको भी मैंने अच्छे से धो के काट लिया है। फिर मैंने लिया था 1/2 लहसुन का पेस्ट, 4 चम्मच आधा लहसुन का पेस्ट मैंने लिया था। फिर मैंने लिया था दालचीनी, लौंग, इलायच और बड़ा इलायच। दालचीनी, लौंग और बड़ा इलायच को मैंने पीस लिया है। फिर हम लोग लेंगे हमारे कढ़ाई को, बैठाएंगे गैस में, गैस को ऑन कर लेंगे। जब हम लोग का कढ़ाई गर्म हो जाएगा, हम उसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। फिर हमारे कटे हुए कैप्सिकम को हम लोग फ्राई करेंगे। मेरा कैप्सिकम फ्राई हो रहा है। देखिए, मेरा कैप्सिकम फ्राई हो गया। अब हम इसको अलग प्लेट में उठा लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में हम लोग और थोड़ा तेल ऐड करेंगे, और उसमें मेरा जो पीसा हुआ दालचीनी, लौंग और इलायच था, उसी तेल में ऐड करेंगे और उस मसाले को हम लोग फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा, हमारे कटे हुए प्याज को हम लोग डालेंगे और कटे हुए प्याज को भी हम लोग फ्राई करेंगे। देखिए, हमारा प्याज कैसे सॉफ्ट हो गया। हम लोग अब ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। फिर हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे इसको, 2 मिनट के लिए। फिर 2 मिनट बाद देखिए हमारा प्याज कितना सॉफ्ट हो गया है। मेरा प्याज देखिए ब्राउन कलर का हो गया है, हल्का ब्राउन। अभी हम इसमें ऐड करेंगे हमारे कटे हुए टोमेटो और फिर हम फ्राई करेंगे। फिर हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद देखिए हमारे टोमेटो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। फिर हम इसको फ्राई करेंगे धीरे धीरे। और इसको टोमेटो और प्याज को भूनेंगे। फिर मैंने ढक दिया है थोड़ी देर के लिए, मुझे और ब्राउन करना था टोमेटो और प्याज को। देखिए, मेरा टोमेटो और प्याज ब्राउन हो गया है। मैंने 2 मिनट के लिए ढका था और 2 मिनट बाद उठाने के बाद कुछ इस तरीके का मेरा हो गया था टोमेटो और क्या बोलते हैं प्याज। और अब हम लोग ऐड करेंगे 1/2 लहसुन का पेस्ट, और 1/2 लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी हम लोग अच्छे से भुनेंगे। 1/2 लहसुन का पेस्ट देने के बाद हम लोग को अच्छे से भुनना पड़ता है, नहीं तो 1/2 लहसुन का पेस्ट का जो सेंट है वो रह जाता है। देखिए, मैं जिस तरीके से भून रही हूँ, आप भी इस तरीके से कीजिएगा। फिर हम आप इसमें ऐड करेंगे हमारे मैरिनेट किया हुआ चिकन। और चिकन और मसाला को अच्छे से मिक्स करना है। फिर मैंने 2 मिनट के लिए बॉईल होने दिया था, और फिर मैं 2 मिनट बाद इसको कुछ मिक्स कर रही हूँ। फिर हम इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट बाद देखिए मेरा चिकन और मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारी हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, और हम इसको भुनेंगे अच्छे से। आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी बनता है। फिर हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए,
और 5 मिनट बाद देखिए मेरा चिकन भी सॉफ्ट हो गया है। और फिर हम ढक्कन उठाने के बाद थोड़ा इसको भूनेंगे, फिर इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे अभी, क्योंकि चिकन को हमें अच्छे से सिझाना है। फिर मैंने 5 मिनट के लिए ढक दिया था और 5 मिनट बाद देख मैंने ढक्कन उठा के थोड़ा ऐसे ही भून रही हूँ ताकि लग ना जाए, वो मैं चेक कर रही थी। और फिर हम इसको ढक देंगे क्योंकि मेरा चिकन अभी तक अच्छे से सीझा नहीं है। फिर हम 5 मिनट बाद उठा के फिर इसको मिक्स करेंगे और फिर ढक देंगे। फिर 5 मिनट बाद देखिए कुछ इस तरीके का टेक्सचर बन गया है मेरा, मेरा चिकन भी सीझ गया है और वो जो पानी था जो मैंने ऐड किया था वो पानी भी टान लिया है। और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। हम लोग को अच्छे से भूनना है। जब हम भुनेंगे तब धीमी आंच में भुनेंगे हम लोग। फिर जो मैंने फ्राई किया हुआ कैप्सिकम था उसको ऐड करेंगे और कैप्सिकम को अच्छे से हम लोग चिकन में मिक्स करेंगे ताकि चिकन का जो फ्लेवर है वो कैप्सिकम में आए और कैप्सिकम का फ्लेवर चिकन में अच्छे से। और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट बाद देखिए धीमी आंच पे हम लोगों को ढकना है, धीमी आंच में रख के हम लोगों को ढक देना है चिकन को। और 3 से 4 मिनट बाद देखिए कुछ इस तरीके का टेक्सचर बन गया है। फिर हम इसको अच्छे से भूनेंगे। हमें धीरे धीरे भूनते रहना है चिकन को। देखिए मेरा कैप्सिकम भी अच्छे से सीझ गया और चिकन भी। मैं रात के 1 बजे वॉइस दे रही हूँ वीडियो में, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। फिर मैंने 2 मिनट के लिए ढक दिया था चिकन को लो फ्लेम में ही और 2 मिनट बाद मैं इसको भून रही हूँ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए धनिया के पत्ते। और सॉरी एवरीवन, मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि थोड़ा मैं बिज़ी थी। आज से मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँगी। देखिए मेरा चिकन हो गया है, अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। और गरम मसाला डालने के बाद हम थोड़ा मिक्स करेंगे इसको। अगर आपको भुना खाना है तो आप इसी तरह उठा सकते हैं, और अगर आपको हल्का सा और इसका ग्रेवी पतला करना है तो आपको पानी ऐड करना पड़ेगा। और मैं अभी ऐड कर रही हूँ चिकन मसाला। फिर मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा पतला ग्रेवी चाहिए था, इस वजह से मैं पानी ऐड कर रही हूँ। आपको अगर भुना खाना है तो आप जो पहले था उसी तरह आप उठा सकते हैं। और देखिए मेरा चिकन बॉईल हो रहा है पानी। फिर हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए और 5 मिनट बाद ढक्कन उठाने के बाद कुछ इस तरीके का हो गया है। और थोड़ा पानी टानना है मुझे, इतना पतला भी नहीं चाहिए था मुझे ग्रेवी।
तो मैं और थोड़ा पानी टान मतलब रखूँगी, थोड़ा पानी टान लेगा और उसका ग्रेवी हल्का पतला हल्का वो मतलब मोटा होगा, इस तरीके का टेक्सचर चाहिए था मुझे। मेरा चिकन माशाल्लाह हो गया है। मेरे वीडियो को देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए मेरा चिकन बन गया है, बहुत यम्मी बना था। और दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए बहुत सारे दुआएं करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए यम्मी सा चिकन बन गया है मेरा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, बाय बाय फ्रेंड्स।